हेलो एवरीवन, प्रकृति प्राइम इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानते हैं जो सीटेट के लिए वेरी महत्वपूर्ण चैप्टर है शिक्षण। तो शिक्षण की परिभाषा आज जानेंगे हम। शिक्षण की परिभाषा, शिक्षण की क्या ज़रूरत है शिक्षकों को, ठीक है। तो बात कर लेते हैं शिक्षण की परिभाषा की कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करता है या सीखने के लिए प्रेरित करता है वह शिक्षण कहलाता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? शिक्षण मीन्स क्या है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को जिस चीज़ को सिखाने के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग करता है वो सभी ही क्या कहलाते हैं, वो सभी शिक्षण कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। आपका है शिक्षण के प्रमुख विधि, शिक्षण की प्रमुख विधि। तो शिक्षण की प्रमुख विधि में है आपका पहला पॉइंट होता है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, फिर आगमन विधि, फिर निगमन विधि। ठीक है बच्चों, शिक्षण की प्रमुख विधियों में कौन कौन सी आती हैं? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, बात करते हैं विश्लेषण विधि किसे कहते हैं, विश्लेषण विधि किसे कहते हैं। तो विश्लेषण विधि का मतलब है कि किसी भी वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसका अध्ययन कराना ही विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कोई बच्चों को कविता सिखाएं और कविता की दो दो लाइनें बच्चों को बताई जाती हैं याद करने के लिए, क्योंकि वो समझ के करेंगे उसका, तो इसके लिए वो क्या कहलाया, वो छोटे छोटे टुकड़े करके जो हमने उन्हें सिखाया है वो कहलाता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का क्या मतलब है, किसी भी वस्तु के छोटे छोटे भाग करके भागों में बांट दिया जाए और उनका अध्ययन करने को दिया जाए तो वो विश्लेषण विधि कहलाती है। जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर इसकी विधियों के अंतर्गत आते हैं, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर इनके पॉइंट आते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, संश्लेषण विधि। तो जैसे विश्लेषण विधि में किसी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करके अध्ययन करने के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार संश्लेषण विधि में उसके विपरीत हो जाता है कि किसी भी समस्या या वस्तुओं के विचारों आदि को एकत्रित करके जो अध्ययन किया जाता है उसे संश्लेषण विधि कह सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि विश्लेषण विधि में वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े बांटकर उन्हें याद करने के लिए दिया जाता है या उन्हें समझाया जाता है। बच्चे कैसे सीखेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उन्हें सीखेंगे। जैसे बच्चों से कहा जाए भाई 2 से 10 तक टेबल याद करनी है तो बच्चा एक साथ नहीं कर सकता है, तो हम उन्हें कहेंगे पहले 2 की करके आइए, फिर 3 की करिए, फिर 4 की करिए। तो ये क्या कहलाया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करना कहलाया, यानी विश्लेषण कहलाया। और जब हम बच्चों से ये कह दें भाई 2 से 10 तक करना ही है, ठीक है, याद हो ना हो, अब ये बात ध्यान में नहीं रखी जा रही है, उनसे एक साथ इकट्ठा करके उन्हें बताया जाए तो वो संश्लेषण विधि कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि जिन समस्याओं को इकट्ठा करके उनका अध्ययन किया जाता है वो संश्लेषण विधि कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संश्लेषण विधि में इनकी विधि है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर हम जाते हैं, ठीक, तथ्यों से निष्कर्ष की ओर हम जाते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे आगमन विधि की तरफ। तो आगमन विधि का पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी आपकी परीक्षा में पूछा जाए आगमन विधि का उदाहरण इनमें से कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे आगमन विधि का पॉइंट होता है उदाहरण से नियम की ओर जाना। आगमन विधि का क्या पॉइंट याद रखेंगे, उदाहरण से नियम की ओर जाना। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं। इसमें आता है निरीक्षण करना, नियम बना लेना और नियम का सत्यापन करना। ठीक है, इसके लिए जो पॉइंट आते हैं वो है आपके ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। आगमन की तरह निगमन ये इसका बिल्कुल विलोम है। ठीक है, तो आगमन विधि का ये मैंने आपको बता दिया था कि उदाहरण से नियम की ओर, आ से जानेंगे उदाहरण, उदाहरण से नियम की ओर क्या होता है आगमन विधि आपकी। इसके विपरीत एकदम है निगमन विधि, निगमन से ध्यान रखेंगे नियम, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि कहलाती है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना निगमन विधि कहलाती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना निगमन विधि कहलाती है। ठीक है बच्चों, निगमन विधि क्या, नियम से उदाहरण की ओर जो हम जाते हैं, दूसरा अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग जाते हैं। ठीक है, जैसे हम 2 का टेबल क्या है, 2 का टेबल कर रहे हैं, तो 2 का टेबल अगर हमको याद है तो हम 2 की फिर गुणा भी कर सकते हैं, है ना, 2 से गुणा कर सकते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना, पहले सामान्य चीज़ें और फिर हम उनसे ही विशिष्ट चीज़ों की ओर जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा,
निगमन विधि हमारी कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका शिक्षण किसे कहते हैं और उसकी कुछ पॉइंट। आगे हम आपके लिए कुछ और अच्छा लेके आएंगे जो आपके सीटेट में काम आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।